हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। तो अगेन बहुत सारे इंस्टा पे मैसेजेस यही आ रहे हैं कि हमें लास्ट 10 डेज की स्ट्रैटेजी बता दो कि क्या अभी भी हम कुछ पढ़ सकते हैं, क्या हम इस एग्जाम में कुछ कर सकते हैं कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएँ, कि हमारे को शायद GLC बॉम्बे मिल जाए, शायद हम एक अच्छे लॉ स्कूल में एडमिशन ले पाए महाराष्ट्र के अंदर। तो आपकी मैसेजेस की वजह से ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि देखिए, आपको हमेशा याद रखना, यू टू ऑलवेज रिमेंबर द ट्राइंग इज बेटर देन गिविंग अप। ठीक है, गिव अप करना इज़ वेरी वेरी इजी, बस कह देना कि नहीं हो पाएगा और बैठ जाना, बट ट्राई करना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ट्राई के अंदर बहुत सारे बच्चों को बहुत ईजिली ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं। इसके लिए मेरे पास रीजन है। देखिए, सबसे पहले आपका जो ये एग्ज़ाम है ये ईजी है, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप राइट टॉपिक्स पढ़ जाते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं, और इजी इसलिए भी है बिकॉज कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। आप अच्छे से गेस वर्क पे गेम खेल सकते हो। अगर आपको थोड़ी सी भी किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है तो आपको जो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आप गलत भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तब भी आपके मार्क्स कट नहीं होंगे, ठीक है ना। एंड मोर ओवर, आप इतनी देर से पढ़ाई करो, 12th तक आपने पढ़ाई करी है, बहुत सारी आपकी वर्बली नॉलेज भी जो है यहाँ पर हेल्प करती है। एंड मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर बताने वाली हूँ, अभी भी आप कर सकते हैं, गिव अप मत करिए, ट्राई करिए। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, देखिए, अगर आपको एक अच्छा लॉ स्कूल चाहिए, इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन द बेस्ट लॉ स्कूल, यू हैव MHCET, देन यू हैव योर स्लैट एग्जाम कमिंग अप, देन यू हैव योर NLAT, यू हैव सो मेनी एग्जाम्स कमिंग अप, राइट। एंड इफ यू प्रिपेयर फॉर दीज एग्जाम्स वेल, कोई ना कोई अच्छा कॉलेज जरूर मिल जाएगा आपको अभी भी, राइट। तो इसलिए अगर आप अपने आप को 10 डेज का टारगेट दोगे, कम से कम आपके ये वाले टॉपिक्स तो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, एंड यही वाले टॉपिक्स आपके बहुत सारे स्लैट में काम आएंगे, यही वाले टॉपिक्स आपके CUET UG में काम आएंगे, समझ रहे हो आप बात। तो इसलिए, एंड बहुत बच्चों का जाके इंस्टाग्राम पर चेक करिए, मैं ये वीडियोज 2020 से बना रही हूँ, इतने सारे का लास्ट 5 डेज वाली वीडियो देखकर, लास्ट 10 डेज वाली वीडियो देखकर पेपर क्लियर होता है, राइट। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे, अरे इट इज इम्पॉसिबल, यू हैव टू स्टडी फॉर 1 ईयर, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 मंथ, कुछ भी नहीं है, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। बुक्स खरीदो, ठीक है, बुक्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बुक्स खरीदो और लग जाओ। अपने आप को डेली टारगेट दो कि जब तक ये अचीव नहीं करूंगा तब तक मैं नहीं सो रहा हूँ, चाहे तुम्हें 5 to 6 hours ही सोना पड़े, जब तक तुम्हारा टारगेट नहीं अचीव होगा, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, एग्जाम क्लियर हो सकता है अभी भी। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडे सेशन। जो भी अपने डाउट्स होंगे वो कॉमेंट जरूर करना, बिकॉज अब तो मैं आपके यहाँ पर ही कॉमेंट्स का आंसर करने लगे हूँ। Q&A ज्वाइन कर सकते हो, 11 AM पे हर संडे हो रहा है, क्योंकि आपके एग्जाम्स है तो मैं रेगुलरली कर रही हूँ, वहाँ पर आके अपने डाउट्स पूछो। इंस्टाग्राम पे मैं ट्राई करती हूँ, बट हर किसी का नहीं रिप्लाई हो पाता, बट फिर भी वहाँ पर मैं जो भी जितने भी मैसेजेस का रिप्लाई होता है मैं करने का ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पे कमेंट करो, सेशंस अटेंड करो, जो लाइव सेशंस है Q&A, वहाँ पे अपने डाउट्स पूछो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हमारे मॉक टेस्ट जो है हमने रिलीज कर दिए 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए। यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके हैं वो कवर करने की मैंने पूरी पूरी कोशिश करी है। तो ये वाले प्रैक्टिस टेस्ट भी अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स लीग वो कवर होते हैं। तो ये भी आप बाय कर सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको हम अवेलेबल करवा रहे हैं ₹2000 के अंदर, 10 मॉक टेस्ट, ये अवेलेबल है www.loggery.in पर, ठीक है। मैं इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूं। चलिए, अबाउट द एग्जाम, MCQ टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश और मराठी में एग्जाम होगा, ऑनलाइन मोड पे एग्जाम होगा, इसके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेरे मॉक टेस्ट खरीद कर प्रैक्टिस करके जाइए ऑनलाइन मोड में क्वेश्चन सॉल्व करने की। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, विच इज द बेस्ट पार्ट। 2 hours दिए जाएंगे आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हाउ मेनी मार्क्स, देखिए आप 120 प्लस अगर लेकर आते तो GLC मुंबई मिल जाएगा, चाहे आप आउटसाइड महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं, चाहे महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं। तो अब आपको लगेगा, अरे 150 में से 120 कैसे आ सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा है ये वो। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे, अगर अभी आप फोकस स्टडी करते हो तो आप अभी भी ये अचीव कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर 115-120 के राउंड आ जाते हैं तो आपको सेकेंड राउंड के अंदर GLC मुंबई मिल जाता है, राइट। इस बार मिला है बच्चों को, तो इसलिए आप 110-100+ तो एम करो ही करो, ठीक है ना। और अभी भी वो ये एम जो है आप अचीव कर सकते हो इन द 10 डेज, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा अटैकिंग सिस्टम, हमारा प्लान क्या है, स्ट्रैटेजी वही जो हमेशा रही है कि हम सबसे पहले अटैक करेंगे जो टॉपिक्स ईजी हैं प्लस जो मैक्सिमम आते हैं,
ठीक है ना, जो मैक्सिमम मार्क्स के जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जो हमारे मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, हैवी वेटेज वाले हैं, वो हम करेंगे, जो इजी भी है और हैवी वेटेज वाले भी हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इजी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको इजी ना लगे, बट एक्चुअल में इजी, एक बार पढ़कर तो देखो, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड आपकी 40 मार्क्स की है, लॉजिकल 40 मार्क्स की है, तो यहाँ पे हैवी वेटेज देख रहे हो, ये दोनों हैवी वेटेज हैं। जनरल 30 की है, इंग्लिश 30 की, और 10 मैथ्स 10 का है, टोटल 150। तो यहाँ पे हमें हैवी वेटेज बिल्कुल बिल्कुल दिख रहे हैं कि लीगल, जीके, लॉजिकल और इंग्लिश हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर मैथ्स में भी आप अच्छे हो तो फॉर्मुलाज रिवाइज करके जा सकते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ट्राई करने में कोई हर्ज ही नहीं है। यहाँ पर आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, देखो यार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत इजीली 10 मार्क्स स्कोर करवा सकती है, 10 मार्क्स हमारे हो सकते हैं पक्के, और मे भी अराउंड 15 मार्क्स भी आपके पक्के हो सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, अगर हम इसको अच्छे से कर जाएं। कैसे करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए सबसे पहले अगर आप मेरा कोर्स खरीदना चाहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो खरीद लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये कोर्स आपको क्या हेल्प करेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। आप मेरा कोर्स देखकर जब पढ़ने जाओगे यूनिवर्सल की बुक में से, जहां से आपको पढ़नी है एक्सप्लेनेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आपको बहुत ईजिली चीजें समझ में आएंगी। मैंने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी बहुत काम किया है इस कोर्स के अंदर, और आपको इंपॉर्टेंट चीजें कोर्स में याद करवाने की भी कोशिश करें, फिर आप ये देखोगे। उसके बाद आप यूनिवर्सल की बुक लेना मैंडेटरी है, मेरा कोर्स मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। यूनिवर्सल की बुक में से इस टाइम पढ़ना मैंडेटरी है। आप थ्योरी पढ़ोगे, एमसीक्यू सॉल्व करना तो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, एमसीक्यू सॉल्व करोगे ही करोगे, क्योंकि सेम एमसीक्यूज आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर किए हुए हैं, और अगर इस टाइम पे हम ये एमसीक्यू सॉल्व कर देते हैं तो बात बन सकती है। बाकी आप मेरे मॉक टेस्ट में भी हर रोज़ ट्राई करो कि सॉल्व करना ही करना है, जितने भी क्वेश्चन आते थे बहुत बढ़िया, नहीं आते थे उनको रट के जाओ, रटो, ठीक है। इस टाइम पर रटना बहुत ज़रूरी है, यू हैव टू स्पीड अप करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो चलो थोड़ा समझकर याद करो, क्योंकि बहुत ज्यादा है, रटना इतना आसान नहीं है, बट जो चीज ऐसा लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आ रही, उसको आपको मगअप करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ डेज हमारे पास कम है। उसके बाद आता है लीगल टॉपिक्स। देखो यार, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, मिसलिनियस लॉस, क्या करना है, यूनिवर्सल में लीगल एप्टीट्यूड का बुक उठाना है, ठीक है, दोबारा से पढ़ देना है, लर्न करना है, चीज़ें थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी है, लर्न करनी है, रट्टा मारना है अगेन, और लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज नाम का टॉपिक होगा, जहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ और मिसलिनियस लॉस से कवर होंगे। आईपीआर, फैमिली लॉ दिया हुआ है वहाँ पर, वो आप रट लोगे क्वेश्चंस भी, और थ्योरी समझोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको थ्योरी में से ही निकल जाएंगे, बट कुछ क्वेश्चंस होंगे जो थ्योरी में नहीं कवर्ड है, वो अलग से हैं, वो आप याद कर लोगे, ठीक है। लीगल रीजनिंग, जब आप लीगल एप्टीट्यूड पढ़ रहे होगे, मतलब ये वाले टॉपिक्स पढ़ रहे होगे यूनिवर्सल्स में से, तभी आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़े से 50-60 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा सॉल्व करने लेना यूनिवर्सल्स में से, ठीक है। सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मेरे मॉक्स में मिल जाएंगे, www.loggery.in। जब आप थ्योरी पढ़कर मॉक अटेम्प्ट करोगे तो आपको बहुत ईजिली उसकी भी वहाँ पर प्रैक्टिस करवाई गई है, मैंने क्वेश्चंस वहाँ पर भर भर के दिए आपको सिचुएशन बेस्ड, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, देखिए लॉजिकल रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपको बुक कौन सी लेनी है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आरएस अग्रवाल की बुक में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। देखिए अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि हम बुक नहीं लेना चाहते, बहुत ही कम दिन है, क्या फ़ायदा इन्वेस्ट करने में। देखो, अगर आप MSET के बाद स्लैट देने का सोच रहे होगे, CUET देने का सोच रहे होगे, ये बुक्स आपके वहाँ पे भी काम आएंगी, ठीक है, तो खरीद लो, इन्वेस्ट करने में कुछ नहीं जाता है, क्या पता एग्जाम क्लियर हो जाए, ये वाली बुक ऐसी है, आप आगे कोई गवर्नमेंट एग्जाम दोगे वहाँ पे भी काम आएंगी, ठीक है, ये वाली आरएस अग्रवाल की बुक। तो एक यूनिवर्सल लो, एक आरएस अग्रवाल लो, ये दो बुक्स तो चाहिए ही चाहिए अगर एग्जाम क्लियर करना है। उसके बाद आता है स्टैटिक जीके। देखिए लॉजिकल के अंदर मैं भूल गई, तो स्लाइड मुझे याद है तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। देखो, एनालॉजी का टॉपिक जो है, लॉजिकल की बात करूँ, 2 आवर्स या 3 आवर्स लगाने एक दिन, कॉन्सेप्ट समझना है और आगे बढ़ जाना है। पजल टेस्ट है, बहुत ज़्यादा हैवी टॉपिक है, लेंदी है, उसके अंदर भी जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती जाएगी, स्किप एंड स्किम करके आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो भी टिप्स ट्रिक्स पता चलेंगे उसको बुक में ही नोट करते रहना, ताकि एग्जाम के 1-2 दिन पहले आप उनको रिवाइज कर लो, तो बेनिफिट हो जाता है आपको बहुत, राइट। तो ये आपको करना है फॉर योर लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके यूनिवर्सल्स की वो बुक उठाओगे, ये वाले टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं, जो पीछे एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो रट्टा मार के जाने हैं, ठीक है। रट्टा मारने का सबसे बेस्ट है कि क्वेश्चंस निकालो, अपने आपको टारगेट दे दो, आज मुझे 70 क्वेश्चंस करने हैं, गूगल करो उन क्वेश्चंस के बारे में,
आंसर जो है वो है, पीछे भी आंसर दिया हुआ है बुक में, और समझो कि जो आंसर है वो क्यों है. इन्हीं टॉपिक्स को अगर अच्छे से कर जाते हो तब भी हम बहुत बहुत मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. अगेन यूनिवर्सल्स में हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो आपने कितनी बुक्स खरीदी है कि यूनिवर्सल में इन्वेस्ट किया, तो लीगल भी कवर हो गया, स्टैटिक जीके भी कवर हो गया, है ना, दो सब्जेक्ट्स हमारे वहाँ से कवर हो रहे हैं. अगर आप रीसेंट वाली यूनिवर्सल खरीद रहे हो तो करंट अफेयर्स भी इस टाइम पे लास्ट रिजॉर्ट है, वहीं से कवर कर लो, ठीक है. पर अगर मेरी एजुगिरी की वीडियोस देख सकते हो तो देख लो, क्योंकि थोड़ा सा होल्ड बन जाएगा. अगर 10 डेज भी आप मेरी एजुगिरी, जो मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे तो हिंदू का एनालिसिस डेली होता है, उसको देख लोगे ना तो आपका होल्ड बन जाएगा. हेल्प करता है, बच्चे ही आकर बोलते हैं मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बस, ठीक है. तो यहाँ पे हमारी आरएस अग्रवाल होगी, दो बुक्स लेनी है हमारे, और हमारे यहाँ पर 3 से 4 टॉपिक्स जो हैं, सब्जेक्ट्स जो हैं वो हो रहे हैं, मतलब लीगल हो गया, जीके हो गया, ठीक है ना, और फिर लॉजिकल के लिए हमने आरएस अग्रवाल में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है ना. उसके बाद आता है इंग्लिश. देखिए इंग्लिश के लिए यूनिवर्सल्स में से कर सकते हैं प्रैक्टिस, बट अगर इंग्लिश के लिए भी बुक में इन्वेस्ट कर दोगे, दैट इज एसपी बख्शी में इन्वेस्ट कर दोगे, तो बहुत बढ़िया रहेगा. एसपी बख्शी में से पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करो अच्छे से, क्योंकि ये पक्के वाला है. ये वाले जो टॉपिक्स हैं हर रोज 40 to 50 minutes में मैक्सिमम टू मैक्सिमम याद करने की कोशिश करो, एटलीस्ट 30 each, 1 to 2 hours भी दे सकते हो इसको, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन भर भर के हमारे बनते हैं, ठीक है. और फिर हमारा ये रह गया, अगर इसको आप, मतलब क्या टॉपिक्स हैं यार ये, तुमने पहले भी तो पढ़े थे इंग्लिश के एग्जाम में, 10th में पढ़े होंगे, एक बार रिविजन ही तो मारना है, तो कर लो ना रिवाइज. और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, क्या जा रहा है, मतलब अगर तुम सबको छोड़ के 2 दिन इसी को लगो, इंग्लिश तो रेडी है या नहीं, क्या है इसमें, प्रेपोजिशंस क्या है, रूल्स तो रिवाइज करनी है, टेंसेस क्या है, रूल्स, एक्टिव पैसिव, क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा. ये सब करो, उसके बाद प्रैक्टिस कर लो थोड़े से स्पॉटिंग एरर्स, हो गया, क्या जा रहा है, मुझे सिलेबस बताओ, इंग्लिश का है ही क्या, हम इतना ज़्यादा यू नो करते हैं, क्या है. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ईजी लेवल के आते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, प्रैक्टिस करना है मॉक टेस्ट लेके प्रैक्टिस कर लो, उसमें क्या है, ठीक है. देख रहे हो सिलेबस, इंग्लिश तो कुछ है ही नहीं है यार, इंग्लिश तो इट्स वेरी ईजी. तुम वीक भी हो इंग्लिश में, अगर तुम रूल्स रट के भी चले जाओगे तब भी कुछ ना कुछ तो सॉल्व करके आओगे वहाँ. उसके बाद हमारा आता है जीके. जीके के अंदर ये लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, करंट अफेयर्स का बता दिया. देखो यार करंट अफेयर्स तुम अभी टाइम कम है तो जनवरी से लेकर 10th April 2023 की ही कर जाओ, इतनी भी मिनिमम अगर अच्छे से कर जाते हो. जनवरी का मेरा जो प्रैक्टिस टेस्ट है सिर्फ जनवरी के ही दे पाई मैं तुम्हें, वो ले सकते हो www.loggery.in से, बहुत अच्छे हैं. फेब मार्च का जो है उसके लिए प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लो, ठीक है. इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, हर रोज 2 से 3 घंटे जनवरी से लेकर अप्रैल तक की करंट अफेयर्स करनी है, ठीक है. प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते जाओ, कुछ तो आएगा एग्जाम में. मतलब हर रोज ना अपने टाइम फिक्स कर देना है, 1 घंटा मुझे लीगल के टर्म्स याद करनी है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करना है, idioms करना है, ठीक है. 2 से 3 घंटे मुझे पिछली वाली जीके को देना है. चलो जी अब आगे चला, 1 घंटा एजुगिरी का वो सुन लिया मैंने, चलो आगे चले, ठीक है. लीगल उठाए पढ़ते रहो, ठीक है. उसके बाद तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग की ये बचे हुए टॉपिक्स हैं. अब इनको अभी हम हाथ नहीं लगा सकते, टाइम कम है, बट अगर आपके पिछले कवर हो रखे हैं तो एम के पांडे की बुक में से जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं एटलीस्ट वो पढ़ सकते हो, बट अभी टाइम नहीं है. तो 10 दिन वाले जो बिल्कुल 0 से स्टार्ट करें उनको ये सजेस्ट नहीं करूंगी. मैथ्स तब उठाना अगर अच्छे हो, ठीक है. अगर थोड़ी सी भी अच्छे हो तो फॉर्मूलाज रिवाइज कर जाना, ठीक है ना. हमारी वैसे क्लासेस भी हैं मैथ्स की, बट 10 डेज है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो. नहीं तो 18 डेज वंडर की बुक ले लीजिए, 18 डेज वंडर बाय एसचंद ले सकते हो. अगर फ्यूचर प्लानिंग है कि हाँ भाई आगे भी कभी कोई एग्जाम देना पड़ सकता है तो 30 डेज वंडर ले सकते हो, क्योंकि उसमें सब कुछ कवर्ड है, ठीक है. आपकी मर्जी है. मैथ्स में तब उठाना अगर मैथ्स में थोड़े अच्छे हो, अगर बहुत ही बुरे हो तो फिर भाई छोड़कर ही जाना पड़ेगा, 10 दिन में नहीं कवर हो सकता. अब यहाँ पे मैंने शेड्यूल दिया हुआ, ये डेली टारगेट्स लगा लो कि 3 दिन में मुझे ये सब कुछ खत्म करना है, जैसे तैसे लग जाओ. एनालॉजी हो जाएगा सीरीज, मैंने एनालॉजी को तुम्हें कहा 2 आवर्स देना है 1 दिन में, बस खत्म. उसके बाद बाकी सारे दिन तुम्हारे पास सीरीज के लिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर करके प्रैक्टिस करने, क्योंकि ईजी आते हैं. देख रहे हो तुम, इतना कोई काम नहीं है, बस पढ़ाई 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 करोगे तो हो सकता है. यहाँ पे भी शेयर किया हुआ है. फिर उसके बाद साथ साथ में मॉक्स अटेम्प्ट करो, ठीक है. 2 घंटे लगाने की क्या जरूरत है, मॉक फटाफट अटेम्प्ट करो कि हाँ ये आता है ये आता है ये आता है, फटाफट करो, क्योंकि तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाने और देखने की, अच्छा ये ऐसा है, एक लेवल पे रहोगे अगर मॉक्स अटेम्प्ट करते रहोगे तो, समझ रहे हो, ठीक है. एवरीडे टास्क में ये करना है, ठीक है. प्रतियोगिता दर्पण जो है उसको देना है टाइम, ठीक है. 2 से 3 घंटे ये करना है, ठीक है. तो करते रहो ना, तुम्हें सिर्फ 4 to 5 hours, 6 hours की स्लीप ले लो, उसके बाद सिर्फ पढ़ाई 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 करना है, डेली टारगेट सेट करना है. बच्चे करते हैं, तुम भी कर सकते हो. एग्जाम्पल्स है मेरे पास, इंस्टाग्राम पे जाओ, रिव्यूज़ पढ़ो, बच्चे बताएंगे कि 5 दिन वाली वीडियो फॉलो करी थी दीदी, क्लियर हो गया पेपर. तुम क्यों नहीं कर सकते हो,
वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये टॉपिक्स बता दिए, बुक्स बता दिए, खरीदो पढ़ लो बस हो गया। सो गाइस दैट्स इट। अगर आप हमारे से कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो www.loggery.in पर विजिट कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कोई भी डाउट है तो अपने दिल में डाउट बिल्कुल भी मत रखना, कमेंट सेक्शन में आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो। सो गाइस दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय, टेक केयर।